आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। कटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। भारत को बांग्लादेश से वो क्यों कंपेयर कर रहे हैं? बांटेंगे तो कटेंगे, मैं आप ही तो बांट रहे हैं। पूरे देश में जन्माष्टमी का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा था। दुनिया भर में जहाँ जहाँ हिंदू बसे हैं, सभी जन्माष्टमी मना रहे थे। लेकिन इस जन्माष्टमी पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसा बयान दिया जिसे देने की हिम्मत ज्यादातर लोग नहीं कर पाते। योगी ने आगरा में खड़े होकर एक बड़ा ऐलान कर दिया। सीएम योगी का ये बयान हिंदुओं के लिए चेतावनी है। इस बयान ने पूरे देश में तूफान उठा दिया है। योगी ने कट्टर पंथियों की बर्बरता देख हिंदुओं से कहा है कि बटोगे तो कटोगे, यानी अगर जातियों के चक्कर में बटते रहे तो कट्टरपंथी तुम्हें काटते रहेंगे। बस ये एक बयान दिया कि ओवैसी और अखिलेश बिफर गए। लेकिन उन्हें योगी के बयान पर बयानबाजी करना महंगा पड़ गया, क्योंकि जनता जनार्दन ने ही उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई और जमकर लपेट लिया। दिखाएंगे आपको पूरी खबर, लेकिन उससे पहले देखिए सीएम योगी का वो 80 सेकंड का बयान जो आपके भी होश उड़ा देगा। बहनों और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर भी कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। कटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। हमें विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए कार्य करना है। तो सुना आपने, योगी ने कहा हिंदू अगर बटेंगे तो कटेंगे। इस बयान पर सबसे पहले प्रतिक्रिया अखिलेश यादव ने दी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, जिम्मेदार लोगों का काम भय से बचाना होता है, भय फैलाना नहीं। अगर ये किसी के व्यक्तिगत विचार हैं तो गलत हैं, और अगर उनके दल के हैं तो और भी ज्यादा गलत हैं। भाजपा राज में बने भय के इस वातावरण में क्या डबल इंजन कहीं दुबक कर जा बैठा है? निंदनीय बयान, हैशटैग नहीं चाहिए भाजपा। अब अखिलेश बाबू तो ट्वीट कर चलते बने, लेकिन ओवैसी साहब कैमरे के सामने बैठकर खूब गरजे। क्या कुछ कहा जरा सुन लीजिए। बांग्लादेश से वो क्यों कंपेयर कर रहे हैं, और क्या वो ये कहना चाह रहे हैं कि भारत की जनता देश की वफादार ना रहे बल्कि मोदी की वफादार रहे? और अगर नहीं करेंगे तो जिस तरह शेख हसीना ने बांग्लादेश में मासूम लोगों पर गोलियां चलवाई, क्या वो गोलियां चलवाएंगे? अब वो बात करते हैं देश की यूनिटी के बारे में। तो यूनिटी देश की कब होगी? जब इंसाफ होगा। और खुद योगी ने उनके राज में कई फॉल्स एनकाउंटर्स हुए अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों के। उनके राज में आज भी बुलडोजर के जरिए मुसलमानों के घरों को तोड़ दिया जाता है। तो और उन्हीं के राज में लोग बोलते हैं कि मुसलमानों का क्या जेनोसाइड नरसंहार हो। वो खुद हेट स्पीच देते हैं मुसलमानों के बारे में। योगी ने खुद कहा था ठोक देंगे। तो जब वो खुद इस तरह की बातें करते हैं और देश की अखंडता और यूनिटी की बात जब वो करते हैं, तो उनके मुंह से जब इतने सब अनाप शनाप बातें निकलती हैं, तो फिर वो तो कुछ और ही बात कर रहे हैं। तो बांटेंगे तो कटेंगे, भाई आप ही तो बांट रहे हैं। कौन बांट रहा है? आप ही तो बांट रहे हैं। आप ही ने कहा था कि इस बाय इलेक्शन जो होने जा रहे हैं उसमें मुसलमान और यादव ऑफिसर्स नहीं होना चाहिए। तो ये सब बातें जो है ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको नजर आ रहा है कि उन्हीं की पार्टी के लोग उनको हटाना चाहते हैं मुख्यमंत्री के पद से। तो शायद वो बीजेपी को कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। तो ये इनका इनसिक्योरिटी है, उनकी अनपॉपुलैरिटी है उत्तर प्रदेश में। और फिर वो भूल गए कि जब देश की अखंडता की बात कर रहे हैं तो
जो डिफेंस की जमीन थी उन्होंने इंडस्ट्रियलिस्ट को दे दिया वहां पर, तो ये सब इनका रिकॉर्ड रहा है। तो इसलिए वो बोकलाहाट का शिकार होकर अपने हजबे आदत सिर्फ मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं अपनी हेट स्पीच के जरिए। अखिलेश यादव और ओवैसी सीएम योगी के इस बयान पर बिलबिलाए हुए हैं। हालांकि उनका इशारा हाल ही में राहुल गांधी के बयान को लेकर था, जिसमें वो जाति जनगणना को लेकर अनर्गल बोलते नजर आ रहे थे। साथ ही बांग्लादेशी हिंदुओं को लेकर भी सीएम योगी ने बयान दिया था, लेकिन लगता है कि अखिलेश और ओवैसी योगी के बयान को अपने दिल पर ले बैठे। इसके बाद जनता ने उन्हें आईना दिखाने का काम किया। एक ट्विटर यूजर ओवैसी को जवाब देते हुए लिखते हैं कि अरे पैलेस्टीन के टेररिस्ट के लिए तो बड़े रैली निकाल रहे थे, पर जब बांग्लादेशी हिंदुओं के जेनोसाइड हो रहा है तब कहते हो इंडियन मुस्लिम से ज्यादा सेफ हो। सुनील सिरपुकर कहते हैं ओवैसी तुम जय पैलेस्टीन बोल सकते हो और योगी जी हिंदू यूनिटी की बात करते हैं तो तुम्हें मिर्ची लगती है, तुम मुस्लिम यूनिटी की बात करते हो, डोंट बी ए पप्पू। सुमन लिखते हैं गलत कहा क्या योगी ने, एक लाइन बोली थी गर्दन काट दी थी उदयपुर में, सच ही तो बताया है, तुम तो वोट जिहाद भी करो, कहो मुस्लिम एक रहो तो क्या हिंदू एक ना हो। एक ट्विटर यूजर अखिलेश यादव को जवाब देते हुए लिखती है अखिलेश यादव आप पर घृणा फैलाने का आरोप लगाना कोई नई बात नहीं है, योगी जी ने कभी जाति को लेकर भेदभाव नहीं किया, आप और आपकी पार्टी ही है जो समाज में नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, योगी जी हिंदू मुस्लिम एकता की बात कर रहे हैं ताकि यहाँ का हाल बांग्लादेश जैसा ना हो, आपका काम जनता को भय से बचाना होना चाहिए लेकिन आप तो खुद ही भय और नफरत का माहौल बना रहे हैं। अगर ये आपके व्यक्तिगत विचार हैं तो गलत है और अगर ये आपकी पार्टी के विचार हैं तो और भी अधिक निंदनीय। एसपी मिश्रा लिखते हैं सच्चाई सुनकर अखिलेश यादव को मिर्ची क्यों लग रही है, क्या उन्हें लोगों का एक साथ मिलजुल कर रहना पसंद नहीं है या फिर देश में बांग्लादेश जैसा नरसंहार चाहते हैं या उनकी तुष्टीकरण की नीति को ठेस पहुंची है। एक और ट्विटर यूजर कहते हैं उन्होंने तो किसी का नाम नहीं लिया, सबको साथ रहने का आह्वान किया है, अगर एकता की बात कर रहे हैं तो आपको काहे तकलीफ हो गई माननीय। वैसे भी एक ट्वीट करने के लिए पहले आपको दो बार डिलीट करना पड़ता है और यहाँ आप ज्ञान दे रहे हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जनता भी समझदार है, कौन क्या बयान दे रहा है और किसके लिए दे रहा है वो सब जानती है। तो आप क्या कहेंगे इस खबर पर, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं, साथ ही इस वीडियो को शेयर करें, साथ ही जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।